प्रशासन से क्या चाहूंगा मैं, मेरे बच्चों लोग को मुझे सौंप दिया जाए, जो स्थिति में मुझे स्वीकार रहेगा, और इससे बढ़ के क्या बोलना चाहिए। वहाँ पर जब शुरू दिन हम वहाँ पर पहुँचे तो जो अटेंडेंस फाइल होता है वो फाइल भी गायब था। कंपनी में ऐसा भी है कि लोग बाहर से आकर काम करते थे, जिनकी अभी तक कोई सूचना नहीं है, जिनको मेकाहारा पहुँचाया गया था, उनको सर वहाँ पे इलाज भी नहीं किया जा रहा है, उनका वो अपने जेब के पैसे से इलाज करवा रहे हैं। शासन द्वारा 5 लाख की घोषणा किया गया है, अभी तक तो आया नहीं है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बेमेतरा के जो हादसा हुआ है, जो बारूद फैक्ट्री में जो धमाका हुआ, उसको लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। इसमें बड़ी ही संवेदनशील जानकारियां हमको मिली हैं। इस पूरे हादसे में जो आज का दृश्य है, तीन तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। एक वो जिसमें फैक्ट्री के सामने लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, और एक मुआवजे की मांग को लेकर के जो कि 50 लाख रुपये है। दूसरा दृश्य वो है जो फैक्ट्री में किस तरीके से पुलिस और प्रशासन के लोग सुरक्षा और जद्दोजहद में लगे हैं, और तीसरा जो दृश्य है वो बड़ा ही संवेदनशील है, जो आपको भावुक कर सकता है। और वो दृश्य है उन घरों का, जिनके परिजन, जिनका बेटा या जिनके पिता काम करने के लिए फैक्ट्री में गए थे और उनका कोई अता पता नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो फैक्ट्री के सामने जो आंदोलन चल रहा है, सबसे पहले आप उसको देखें, फिर उसके बाद हम आपको उस खबर के आगे के चरणों के बारे में बताएंगे। बाईस गांव के सबो सियान मन है, जुरियारहीन है, सब जने आंदोलन समर्थन दे के साथ साथ आसपास के 50 गांव में जाकर के ये आंदोलन लेकर के चर्चा करके आंदोलन में शामिल हो के आग्रह करबोन, और ये सहमति बनी कि जतका भी ये क्षेत्र जन ये हरियाली के क्षेत्र है, ये किसानी के क्षेत्र है, यहाँ जतका भी उद्योग खुला थे ओकर भी विरोध करना है, और साथ ही साथ ये जो मृतक परिजन है तेन मल्ला न्याय देवाय बर रणनीति तय करके ये आंदोलन और तेज करबो, और लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करके मृतक परिजन मल्ला न्याय देवाबो, और जिन मांग पहली से उन हमन प्रशासन और शासन के समक्ष रखे हैं, परिजन मन रखे हैं कि 50 लाख रुपया उद्योग से और 5,50,000 तो घोषणा करी दे, तो 55,50,000 रुपया आर्थिक, एक सरकारी नौकरी, ये उद्योग के न्यायिक जांच और दोषी मल्ला सख्त सख्त कार्यवाही, और साथ ही साथ ये जेन भी रजिस्ट्री भूया के करे जेन किसान मन वो मल्ला वापस निशर्त किया जाए, ताकि हाँ ये उद्योग में उद्योग ना हो करके खेती किसानी किया जा सके। देखिए ये यहाँ पे बारूद विस्फोट हुआ था, उस फैक्ट्री के दूसरे गेट में एक जो भीड़ लगी हुई है उसका कारण यही था कि अभी बीच में अचानक जानकारी आई कि माल लोड हो रहा है और बारूद शिफ्ट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब बड़े घटना के बाद किसी भी प्रकार से अगर कार्य हो तो विरोध तो होगा, और उसी के कारण से ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित हैं और निसंदेह उसका विरोध कर रहे हैं कि जब सारे काम बंद है और फैक्ट्री एक प्रकार से सील स्थिति में है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से काम नहीं होना चाहिए, उसका विरोध हो रहा है। देखिए कल कंपनी के द्वारा कुछ मुआवजे का घोषणा किया गया था कलेक्टर साहब के माध्यम से, लेकिन चूँकि भारी अनियमितता प्लांट में पाया गया है, कई लोग तो ये भी बता रहे हैं कि बीमा नहीं था, तो ये सारी चीज़ें एक बार जांच का विषय है। अगर जांच हो जाए और सारा चीज़ें प्रशासन के द्वारा बता दिया जाए उसके बाद बात किया जाएगा। और मैं भी एक जनप्रतिनिधि के नाते आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि चूंकि ये विस्फोटक का प्लांट था, विस्फोटक प्लांट में क्या विस्फोट की जितने भी मानक है उनको पूर्ण किया गया था, उसकी जाँच की जाए और एक उचित मुआवजा
प्लांट के द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मजदूरों की यहाँ पे डेथ हुई है जो महज 2 माह से काम कर रहे थे और एक बार भी अपना वेतन लेके घर नहीं पहुंचे थे। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा घटना यहाँ पे घटा है जिसे अभी गुमशुदा तो कह रहा है, लेकिन हमने स्वयं और कई लोगों ने जो मजदूरों के लाश होते हैं या उनके डेड बॉडी है छोटे छोटे रूप में देखे हैं। निस्संदेह प्रशासन के द्वारा उसका DNA करवाया जा रहा है, उसके बाद ही क्लियर होगा। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से पुनः कह दूं कि उचित मुआवजा जब तक प्रबंधन नहीं करेगा तब तक ये आक्रोश चलता रहेगा। सर, मांग यही है कि जो आदमी अब जिंदगी भर काम नहीं कर सकते, उन्होंने जो अपना चीज खो दिया है शरीर का जो भी अंग, तो उनके लिए भी हमारी एक ही मांग है कि कंपनी से या प्रशासन से जो भी है कम से कम 50 लाख रुपए तक का सहायता राशि उनको देना चाहिए, और या तो फिर मंथली उनके लिए कुछ ऐसा एक इनकम सोर्स करना चाहिए जिससे उनका घर परिवार चल सके। और कंपनी में जैसे अभी तक हमारे पास जो खबर आई है कि 8-9 लोग मृत हुए हैं, सर हमको वहाँ पर जब शुरू दिन हम वहाँ पर पहुँचे तो जो अटेंडेंस फाइल होता है वो फाइल भी गायब था, तो वहाँ पे और अच्छे से जांच होना चाहिए कि कितने लोग मरे हैं, क्योंकि बाहर से भी वहाँ पे कंपनी पे लोग काम करने आए हुए हैं, वो तो आसपास के लोग को हम गिनती लगाकर कम से कम घर परिवार में जाकर ये पता करें कि 8-9 लोग की मृत्यु हुई है, पर उनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। और कंपनी के मालिक को भी आना चाहिए कम से कम इस दुख पर के घटना में, भाई बाकी दिन तो हम कंपनी के मालिक से ही बात करते थे, ना शासन से ना प्रशासन से, पर जब इतना बड़ा घटना हो गया है तो कम से कम कंपनी के किसी ना किसी कर्मचारी या मालिक को तो आना चाहिए कि इनसे मिले और इनके दुख में अपना मतलब हालचाल जाने कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर अभी तक कलेक्टर साहब के मतलब आदेश से तो 9 लोग को बताया जा रहा है जो आसपास के हैं, पर उस कंपनी में ऐसा भी है कि लोग बाहर से आकर काम करते थे जिनकी अभी तक कोई सूचना नहीं है और कोई जानकारी नहीं है। अब वो सर अभी 1-2 दिन का टाइम और मंगी है, SDM मैडम से बात हुई है तो 1-2 दिन बाद हम बॉडी देने का बात उन्होंने किया है, और कुछ जो घायल हुए हैं जिनको मेकाहारा पहुँचाया गया था उनको सर वहाँ पर इलाज भी नहीं किया जा रहा है उनका, वो अपने जेब के पैसे से इलाज करवा रहे हैं, प्लस यहाँ से ले जाकर तो छोड़ दिया गया लेकिन वो वहाँ से अपने घर तक भी पहुँचे तो अपने जेब के पैसे खर्चा करके पहुँच रहे हैं, वहाँ पर पूरी लापरवाही है सर। अभी यहाँ प्रशासन तंत्र या शासन के द्वारा जितनी भी घोषणाएँ की गई है कि मृतक परिवार को 5 लाख रुपये सहायता राशि और जो घायल हैं उनको 50,000 सहायता राशि, मैं मृतक परिवार में और जो घायल है उनके परिवार में जाके भी मिला हूँ, पता चला है कि इनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ जो कंपनी प्रबंधन है उनसे मृतकों को कम से कम 50 लाख की राशि और जो घायल हैं उनको 5 लाख की राशि कंपनी प्रबंधन के द्वारा और शासन के द्वारा इनको जो घोषणा की गई है 5 लाख और 50,000 वो तत्काल दी जाए ताकि ये परिवार अपना कार्यक्रम में जो अभी पीड़ित परिवार है वो कार्यक्रम में लगा सके। गला मोर का है सॉरी उनका पैर टूट गया है जिसमें राड लगा है और वो कोई काम करने के काबिल अब नहीं रह गया, तो उनके लिए कम से कम पुख्ता इंतजाम किया जाए, कम से कम उनको भी 50 लाख की राशि सहयोग राशि प्रदान की जाए, ये मांग। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के लोग बेमित्रा में सक्रिय हैं उस जगह पर जहाँ हादसा हुआ था, यानी फैक्ट्री के बाहर। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग पीड़ित परिवारों को जो कि मृत हुए हैं इस हादसे का शिकार हुए उनके लिए 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, और सरकार द्वारा जो 5 लाख रुपए की मृतकों को घोषणा की गई, मृतक के परिवारों के लिए घोषणा की गई, उसको नाकाफी बता रहे हैं। सभी लोगों का अपना अपना तर्क है, प्रशासन की अपनी कवायद है, पुलिस अपने तरीके से जद्दोजहद कर रही है, इन सभी कवायदों और जद्दोजहद के बीच या उसके पीछे एक बड़ा ही मार्मिक चेहरा या मार्मिक दृश्य है जो आपके लिए भावुक कर देने वाला हो सकता है। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ महीने पहले ही फैक्ट्री में काम की शुरुआत किए थे, यानी कि उनको लंबा समय नहीं हुआ था और वो कुछ महीने के अंतराल में ही हादसे का शिकार हो गए। वो जो है अब घर आ नहीं सकते हैं क्योंकि उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। दूसरा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ दिन पहले ही उन्होंने फैक्ट्री में काम को करना शुरू किया था, उनकी वो भी हादसे का शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं। सबसे पहले हम उस माँ का दर्द बताते हैं जिसका 28 साल का बेटा इस हादसे का शिकार हो गया है। ना तो उसका कुछ अता पता है, ना उसकी बॉडी का पता है, लेकिन लोग ये मान करके चल रहे हैं कि वह इस हादसे में एक अनहोनी का शिकार हो गया है। सबसे पहले उस माँ की अब बीती देखिए। क्या करवो भैया, हमारा बेटा तो हटा ले हमारा बेटा लापता दे दो दादा हमारे घर तो उजाड़ हो गए भाई,
रो बर घर में देख तीन दिन हो गए कोरोना आया बर घर में देखे बा गांव वो गादी अमर बेटल दे दी कंपनी वाले अमर बेटल दे बा दे वा अमर बेटल ला दे दे भाई बा आज तक के तीन दिन हो गए कंपनी वाले नहीं आए ना कोई नहीं आए सर बस बस कोई नहीं आए मोर घर में कुरिया कुछ नहीं है भाई अमन किराया बने भाई बल्ला बल्ला जाएगा कोई नहीं दे बेटी माई की बल्ला आवाज आते तो आवाज ला बल्ला नहीं दे आवाज ही नहीं दे कोई है बल्ला आज मोर बेटा ला जगह देवा तो भाषा हमें जगह देवा तो भाषा की गुलबार बोला आज मोर बेटा निकल के फिर जगह नहीं मिलनी चाहिए लौट जन्म के बेटा रे बेटा अरे बोला आदमी दादा मैं आवाज करा और बेटा लौटा दे भाई और बेटा दे दे बाबा अब मैं कहा मांगू मैं कुछ नहीं मांगा और बेटा वापस कर दे प्रशासन से क्या चाहूंगा मैं बस प्रशासन से यही चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मेरे बच्चों लोग को मुझे सौंप दिया जाए जो स्थिति में है मुझे स्वीकार रहेगा और इससे बढ़ के क्या बोलूँ सर जी मैं शासन द्वारा 5 लाख का घोषणा किया गया है अभी तक तो आया नहीं है प्रबंधक के द्वारा देखा हूँ कल कलेक्टर साहब बुलाए थे गेट में बुलाए थे तो बोले थे कि 1-2 दिन में 5 लाख का चेक दे देता हूँ कर लेकिन हम लोग उसको स्वीकार नहीं किए वो प्रबंधक द्वारा थी शायद वो भी अपने कंपनी थ्रू नहीं दे रहा है शासन द्वारा दे रहा है कंपनी का कोई कर्मचारी को सामने नहीं ला रहा जी जी वो मुख्यमंत्री साहब आए थे उनको मैं रोकने का भी प्रयास किया उस समय कार्य बहुत स्लो चल रहा था तो उप मुख्यमंत्री साहब भी घोषणा किया थे 5 लाख मृतक परिवार को 50,000 घायलों को किसी कुछ नहीं मिला अभी तक कुछ तो मिला नहीं है नहीं मिला अभी लिया है आधार कार्ड और बैंक खाता का पासबुक लिया है लेकिन अभी तक नहीं आया है मैं मेरा नाम रमेश सोनवानी है मृतक का नाम एक छोटा भांजा का नाम पुष्पराज देवदास था बड़ा भांजे का विजय कुमार देवदास उम्र पुष्पराज का 21 वर्ष है विजय कुमार का 25 वर्ष दोनों अविवाहित थे हादसे के बाद के जो दृश्य हैं उनमें एक ऐसी माँ भी है जिसके पास शब्द ही नहीं है वो बोलने की स्थिति में नहीं है वो कई बार लोग उससे तमाम तरह के सवाल किए जाते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में वो उनका उत्तर देती है उसका बेटा भी वहाँ काम करने के लिए गया था और उसके साथ क्या हुआ अब माँ के कुछ जो अनकहे शब्द हैं उससे समझने की आप कोशिश करिए सर हाथे जान फटे है बा और सर हाँ पूरा शरीर दबचा गए है बा से इसमें 25-22 कोई अभी 8 दिन हो भैया 7-8 दिन हो डॉक्टर मन बोले से भाई अभी 1 हफ्ता हो गए टिकला नहीं जाना मैं तो नहीं आए हमारे यहाँ अभी था मन अब आते हैं उस पहलू पर जिसमें लोग वहाँ जो काम करते थे वो फैक्ट्री के काम काज को लेकर के क्या बात कर रहे हैं उनको क्या लगता है कि क्या लंबे समय तक काम करने के बाद भी उन्हें उन न्यूनतम श्रमिक सुविधाओं का लाभ मिल रहा था जो सरकार द्वारा तय है अगर उनको ऐसा लाभ नहीं मिल रहा था तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है और फैक्ट्री प्रबंधन या मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये बहुत बड़ा सवाल है आप देखिए कि कैसे जो वहाँ काम करने वाले लोग और उनके रिश्तेदार फैक्ट्री के बारे में क्या बता रहे हैं कि 10 साल तक काम करने के बाद भी उनका पीएफ नहीं कटता था अगर आप पीएफ नहीं कटता है तो आप अनुमान लगा लीजिए कि किस तरीके से असुरक्षा एक आर्थिक असुरक्षा के दौर में या आर्थिक असुरक्षा के बीच लोग काम करने के लिए मजबूर थे और ऐसे मजबूर लोगों के लिए सरकार क्या करती है ये आने वाला समय बताएगा सबसे पहले देखिए आप कि किस तरीके से एक मजदूर परिवार का व्यक्ति कंपनी के कामकाज को लेकर के किस तरीके से बातें बता रहे हैं
नहीं, मेरे अलावा जो बहुत पुराने थे जिसको 20 साल हो गया 25 साल हो गया उनका करता था, बाकी हम लोगों को नहीं करता था। हम लोगों को करीब 8-9 साल हो गया अभी तक साइन करता है, किए थे मांग लेकिन नहीं करता था। बोलते थे कि कटेगा कटेगा करके, इस साल कटेगा, इस महीने कटेगा करके बोलते, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब इस पूरे घटनाक्रम में गलती किसी की भी हो, लेकिन एक लापरवाही जरूर दिखाई देती है। क्या एक फैक्ट्री, चलती हुई फैक्ट्री में समय समय पर जांच होती है या नहीं होती है, इसको तय करने का काम जिला प्रशासन का होता है, तो क्या वो कामकाज किया गया था, ये एक जांच का विषय है। अब दूसरा एक और मामला है कि इस मामले को कितनी गंभीरता के साथ शासन और प्रशासन कार्रवाई के लिए आगे बढ़ता है, ये भी एक देखने का विषय होगा। क्योंकि ग्रामीण तो ये भी बताते हैं कि पिछले साल भी इस फैक्ट्री को किन्हीं कारणों से बंद किया गया था। अब ये कितना सच है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फैक्ट्री में किस तरीके से कामकाज हो रहा था उसमें लापरवाही साफ झलकती है। आप देखिए कि अगर 8 लोग लापता हैं और उन लापता लोगों का कोई सुराग नहीं है, लोग जैसा कि वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ बड़े धमाके के बाद मांस के लोथड़े और टुकड़े मिले हैं, छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, और उस फैक्ट्री में तेजाब का भी काम होता था, तो ऐसी स्थिति में किसी के मानव अवशेष मिलना कितना दुरूह हो जाएगा ये आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें सरकार क्या कार्रवाई करती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।